11 साल के अब्दुल कादिर इंदौरी दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद तैराकी में 11 मेडल विजेता हैं। मूल रूप से रतलाम के रहने वाले अब्दुल रविवार शाम तैराकी का करतब दिखाने नगर पालिका के स्विमिंग पूल पहुंचे। पिता हुसैन इंदौरी ने बताया, 24 मई 2014 को अब्दुल भोपाल में रिश्तेदार के यहाँ गया था। छत पर खेलते समय वह हाई टेंशन की चपेट में आ गया। हादसे में दोनों हाथ झुलसने से ऑपरेशन कर काटना पड़े, बावजूद वे झुके नहीं, उन्होंने पैरों को अपनी ताकत बनाई। हादसे के 8 महीने बाद उन्होंने ट्रेनर राजा भैया से 15 दिन में स्विमिंग सीखी। 2015 से पैरा ओलंपिक स्विमिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। 2017 तक 3 सिल्वर 5 गोल्ड मेडल जीते। इतना ही नहीं, सामान्य बच्चों की संभाग स्तरीय स्विमिंग प्रतियोगिता में 3 सिल्वर मेडल भी जीते हैं। अब्दुल जितनी अच्छी तैराकी करते हैं, इतना ही अच्छा पैर से लिखते भी हैं। घर पर वे अपने पैरों से ही भोजन करते हैं। पिता हुसैन बताते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को जिद करना सिखाया, उसकी जिद से ही वह आज इस मुकाम पर है, क्योंकि कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा।